ये लकड़ संदे गए हजरत साहब तो साहब एक अद्भुत नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या मिला? यहाँ पे एक धुना है, उस पर एक तरफ मौलाना साहब लेट रहे और एक तरफ महात्मा। भाई मौलाना साहब का यू उलाव है, रात को सर्दी लगे और महाराज जी से धुना बतावे, दोनों का एक ही काम है। देखो बड़ू में राक्षस रह रहे थे, रामचंद्र जी वही रह गए थे, तो सब तालमेल है भाई। कोई आग में धुना बतावे सर, कोई कह के ये उलाव है, बीच में तो सबके बीच में आ गए। ये रात को ताप का काम करें, दोनों तपे हैं यही रात को, ये सर्दी था रहे अपनी। कोई घी तो नहीं गिर रहा फिर बीच में? ना घी कोई नहीं गिर रहा, सरकार से बचियो और तो सब ठीक है। 5 सितंबर की महापंचायत में भी नारे लगाए गए थे अल्लाह अकबर। अरे कल की कल देख लिए लगाए गए थे जो 5 सितंबर को। हाँ क्या पता क्या लगे। साहब एक और तो बयानबाजी देकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे एक अलग तस्वीर जिस तरह से भाईचारे की नजर आई है। अरे सर्दी लगे, सर्दी जब रात को लगे भाई सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो सर्दी लग रही है ना, और लकड़ी रखी जड़ा, और लकड़ी जड़ा रखी बीच में भाई, कोई से धुना कह लो कोई से उलाव कह लो, सबकी आस्था है। अग्नि जो है अग्नि में सबकी आस्था है, कोई इसको किसी नाम से पुकार लो रोटी इसी से ही पकेगी। इसे तपस्या कहते हैं जब महाराज। हाँ तपस्या कहे हैं, ये भी तपस्या कह रहा है, तपस्या कर रहे हैं इधर मौलाना साहब भी तपस्या। हाँ वे भी तपस्या कर रहे हैं, सारे जाटा तार रहे अपनी महापंचायत की सफलता के लिए तपस्या कर रहे हैं। लक्षण हाँ महापंचायत के लिए ही कर रहे हैं। कितने दिन? राकेश टिकेश जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, हर महादेव। ये कितने समय से है दोनों यहाँ पे? ये तो जब से धरना चल रहा जब से ही चल रहा है।